नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, आपके एमपी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th का जो टाइम टेबल था, इसमें थोड़ा सा यहां पे बदलाव किया गया। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही टाइम टेबल में दोस्तों यहां पे जो डेट्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का पूरा जो आपका नया वाला टाइम टेबल है पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको क्लास 12th का नया वाला टाइम टेबल देखना है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो आपका क्लास 10th का टाइम टेबल है इसमें क्या चेंज किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों, जो आपका टाइम टेबल था 10th क्लास का जो जारी किया गया था उसमें आपका जो आखिरी एग्जाम था वो दोस्तों आपका 15 तारीख को था, लेकिन दोस्तों अब आपका जो आखिरी एग्जाम है वो आपका 19 मई को कर दिया गया। 10th क्लास का दोस्तों जो टाइम टेबल है उसमें सिर्फ आपको यही परिवर्तन किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये दोस्तों आपका पहला वाला टाइम टेबल था क्लास 10th का। इसमें आप देख लीजिए, आपका जो लास्ट पेपर था गणित का वो 15 मई को था, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे आपका संशोधित टाइम टेबल आ चुका है और इसमें आप अपना टाइम टेबल देख लीजिए। इसमें दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, जो आपका लास्ट पेपर है वो आपका 19 मई 2021 को कर दिया गया, जो कि आपका मैथ्स का है। अब दोस्तों बाकी सभी सब्जेक्ट का एक बार हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका 30 अप्रैल 2021 को आपकी पहली लैंग्वेज का पेपर है जो कि दोस्तों आपकी हिंदी है। 1 तारीख को दोस्तों आपका NSQF का पेपर है। 3 तारीख को आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पेपर है। 4 तारीख को आपका प्रथम भाषा का पेपर रहेगा जो कि दोस्तों आपकी उर्दू रहेगी। अगर आपकी द्वितीय व तृतीय भाषा उर्दू है तो भी आपका 4 तारीख को पेपर रहेगा। 5 तारीख को बात करेंगे तो जो आपकी स्पेशल लैंग्वेज संस्कृत है इसका पेपर रहेगा। फिर 6 तारीख की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे आपका मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ये अगर भाषा है आपकी तो इसका पेपर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप दृष्टिहीन छात्र हैं तो इन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे पेंटिंग का पेपर रहेगा 6 तारीख को। 8 तारीख को दोस्तों आपका विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर रहेगा। 11 तारीख को दोस्तों आपका प्रथम भाषा इंग्लिश का पेपर रहेगा व द्वितीय व तृतीय भाषा आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा। इसका जो आपका आखिरी पेपर है जो कि 15 तारीख को होना था, लेकिन अब 15 की जगह 19 तारीख को हो रहा है जो कि आपका गणित का रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको गणित यानी कि मैथमेटिक्स में 8 दिन का अच्छा खासा गैप मिल गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैथ्स का पेपर है यहाँ पर अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि आपको 8 दिन का यहाँ पर गैप दिया जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल यही अपडेट था क्लास 10th के टाइम टेबल में। अगर और कोई अपडेट आता है तो इसकी तुरंत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो प्रश्न बैंक है सभी विषय के वो विमर्श पोर्टल पे अपलोड होते जा रहे हैं और सभी दोस्तों यहाँ पे हिंदी मीडियम में अपलोड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए जो आपका मैथ्स का और जो साइंस का क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया हिंदी मीडियम में, उन सभी को दोस्तों आपको चैप्टर वाइज इंग्लिश में अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल का आइकन को जरूर दबाएगा ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।